देखो क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज है अपना 10.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 डिस्कस करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, हाफ दर्जन नंबर है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अ सर्कुलर पार्क रेडियस 20 मीटर। बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर का इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में 20 मीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पार्क है और उस पार्क में तीन लड़का जिसका नाम है अंकुर, सैयद और दूसरे का नाम है डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, जो कि तीनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। एक लड़का जिसका नाम है अंकुर, एक लड़का जिसका नाम है अंकुर, दूसरा लड़का जिसका नाम है सैयद और तीसरा लड़का जिसका नाम है डेविड, और ये तीनों जो है वह इक्वल डिस्टेंस पे एक पार्क में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वल डिस्टेंस में है। अगर हम सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करें तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप जैसा दिखेगा। ये हम भी नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोलेगा ये बात मिलाने के लिए। आगे जब पढ़ेंगे तो देखो आगे कुछ लिखा गया है कि इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री इच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। तुम लोग भी बचपन में टेलीफोन बनाया होगा ऐसे करके धागा लगा करके और बोलता होगा, सुनता होगा सामने वाला, बनाया ना, तो ऐसा एक टेलीफोन बनाया गया है। एक नहीं तीन टेलीफोन होगा तब ना एक दूसरे से कनेक्ट होगा। इससे ये बात कर रहा, इससे ये बात कर रहा, फिर इससे ये बात कर रहा। ठीक है, तीनों का मैसेंजर का काम हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को सुना रहा है कुछ कुछ। और वो टेलीफोन जो है टॉय टेलीफोन है इन हिज हैंड टू टॉक इच अदर, जो एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन का उपयोग कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इच फोन, सभी फोन के स्ट्रिंग मतलब धागे की लंबाई निकालना हमें, ये लंबाई निकालना। जबकि हम लोग को क्वेश्चन में मात्र छोटा सा चीज दिया है कि यह सर्कुलर पार्क का रेडियस जो है वो है 20 मीटर का। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो चुटकी बजा के बना देते और इसका आंसर आएगा 20√3। देखेंगे भविष्यवाणी किए हैं आता है कि नहीं, हम बताएंगे वो भी मेथड कि हम अगर एग्जाम में बैठे होते और यह क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कम से कम क्लास 10th का नॉलेज होना चाहिए। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है 9th लेवल का, तो पहले 9th लेवल के अकॉर्डिंग बताएंगे, फिर हम बताएंगे कंपटीशन लेवल यानी कि 10th लेवल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो, तो यहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ पता है ये 20 मीटर का, अगर सारे को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तो तुम लोग को कुछ तो दिखेगा जरूर। सबसे पहले तो दिखेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एंगल ये तीन अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। एक और बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, ध्यान समझना, मीडियन जो होता है वह मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज के अन्य भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है और साथ ही साथ 90 डिग्री के साथ। तो जैसे 90 डिग्री का चर्चा करते हैं हम लोग के माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक करता है कि लगेगा शायद नहीं 100% पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान से देखो कि ये 20 अपना, ये भी कितना होगा 20, लेकिन यही तो नहीं पता। तो हम लोग एक चीज थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा चीर फाड़ करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो क्या पता चलेगा। ये सभी इक्वल है क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस लेंथ को अगर x मानेंगे तो समस्या बढ़ सकता है, इसलिए इस लेंथ को हम x न मान करके मान लेते हैं 2x। अब मन में विचार आएगा क्यों आप माना 2x, तो इसलिए माना क्योंकि 2x का हाफ तो x हो जाएगा ना, ये हाफ लेंथ क्या कहलाएगा एक्स कहलाएगा। यहां से यहां तक टोटल लेंथ 2x, तो हाफ लेंथ क्या हो गया एक्स। अब ध्यान से देखो कि हम लोग को बेस पता और पता है क्या चीज हाइपोटेनस, नहीं पता है क्या चीज परपेंडिकुलर। तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, नाम इसका दे देते हैं एम और ये सेंटर को ओ लेके चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एस, सॉरी ओ ए एम एस,
एम एस में, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए एम एस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए एस इज इक्वल टू क्या है, 2x हमने माना। उससे पहले कुछ और कहानी था कि हम बोल सकते थे कि ए एस डी जो है एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने माना कि ए एस इज इक्वल टू होगा एस डी के, इज इक्वल टू होगा ए डी के, और वो इक्वल टू किसके, 2x के। ये एमएमआई का कहानी तुम लोग लिख सकते हो खुद से, ए एस इज इक्वल टू 2x और ये क्या हो जाएगा अपना एस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एम इज इक्वल टू 2x का हाफ, यानी कि बनेगा निकल के x। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, बनेगा ना x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x बचेगा हाफ करेंगे तो, क्योंकि मीडियन है, मीडियन जो होता है मिड पॉइंट से बनता है, तो मिड पॉइंट है तो 2x का आधा क्या होगा, x ही तो होगा, इसमें नहीं है बाधा ना कोई। तो हम लोग बात कर रहे थे इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ए एस एम में, यानी ए एम एस में। तो एम एस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस इसका क्या है, ए एस है, हमें नहीं पता है परपेंडिकुलर हाइट, यानी हमें यहां नहीं पता है क्या चीज, एम एम बराबर व्हाट, नहीं पता है ना। लगा देंगे क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के जस्ट सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि क्या, नहीं पता, वही तो एम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि एस एम ना, एस एम स्क्वायर। तो देखा जाए तो एस इज इक्वल टू क्या है, 2s है, 2x है, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या है, तो नहीं पता है। तो m को लोग लिखेगा, हम तो लिखेंगे 20 प्लस का om, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी लिख सकते हैं, नहीं मर्जी नहीं भी लिखेंगे, छोड़ देंगे लो। तो लिख देंगे एज इट इज m स्क्वायर प्लस sm की जगह पर क्या लिखेंगे, तो x, क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आ जाता है 2 का 4 x का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर है, तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू a m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a m स्क्वायर, दिस इंप्लाइज a m इज इक्वल टू स्क्वायर जब करेगा अंडर रूट 3x स्क्वायर, यानी कि x रूट 3, x रूट 3। तो हमें पता चल चुका है a से m तक का लेंथ, a से m तक का लेंथ, और पहले से पता है ए से ओ तक का लेंथ कि 20 है, यानी कि कोई बोलेगा ओ एम इज इक्वल टू वाट, तो ओ एम इज इक्वल टू हम लोग लगा देंगे ना वाट आराम से, कि ए एम में से माइनस कर लेंगे ओ ए को, तो निकल जाएगा ओ एम। सो हम बोल पाएंगे क्या चीज, कि ओ एम इज इक्वल टू क्या बोल पाएंगे, कि ए एम और माइनस का ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए। तो देखो यहां पर ध्यान से, ए एम इज इक्वल टू क्या है अपना, एक्स रूट थ्री माइनस ओ इज इक्वल टू कितना है अपना, 20 मीटर है, ठीक है, हम यूनिट फिलहाल नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया, एक्स रूट थ्री माइनस का 20, हमें पता चल चुका है क्या चीज, ओ एम लेंथ निकल गया, क्या चीज का, ओ एम का लेंथ निकल के आ चुका है, ओ एम लेंथ क्यों निकाले, क्यों निकाले, क्या फायदा निकाल करके, क्वेश्चन उठता है मन में, तो ध्यान से देखेगा ओएम क्यों निकाले, क्या वर्क था ओएम का। हम लोगों को वास्तविकता तो यही था कि हम लोग को ये छटंकी सा ट्रायंगल, ये छटंकी सा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनस पता था, इसका हाइपोटेनस पता था, इसका बेस पता था, इसका परपेंडिकुलर नहीं पता था, इसलिए निकालने चले थे क्या चीज हम लोग, उसका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। अब तो हम आराम से करेंगे इसके साथ हाइट ना, दे ये ट्रायंगल में चल सकते हैं, अब हम चलते हैं क्या चीज, इन ट्रायंगल एसएमओ, इन ट्रायंगल एसएमओ हाइपोटेनस अपना क्या है, एसओ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओएम स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर यानी कि एसएम का स्क्वायर। तो देखो एसओ स्क्वायर यानी कि क्या, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम, मतलब क्या, तो ओएम मतलब क्या है, तो ओएम इज इक्वल टू क्या है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ओएम इज इक्वल टू क्या आया था अपना, आया था एक्स रूट थ्री माइनस 20 का स्क्वायर प्लस एसएम मतलब क्या, एक्स, एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 20 का स्क्वायर आ जाता है 400 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है ये माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर
यानी कि 400 आएगा माइनस, फॉर्मूला बोलता है हम नहीं बोलते, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के जगह पर क्या हो जाएगा x रूट 3 इंटू बी के जगह पर क्या हो जाएगा 20 और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर देख सकते हो, ये है ऐसे ये कैंसिल हो जाता है बराबर किस पार से उस पार ना, यहां से बच जाता है क्या चीज का जीरो, कुछ नहीं बचा, जीरो इज इक्वल टू यहां से हो जाता है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि हो जाता है 3x स्क्वायर, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 20 दूनी 40, एक्स रूट 3 और प्लस का है एक्स स्क्वायर, तमाशा देखते जाओ, ये दोनों बन गया क्या चीज, ये दोनों बन गया क्या चीज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का 40x रूट 3, 40x रूट 3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 40x रूट 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे स्क्वायर से एक्स कैंसिल, जबकि 4 से 4 दाहिक 40 और x इज इक्वल टू 10√3, x इज इक्वल टू क्या 10√3, जबकि एच डी इज इक्वल टू क्या तो x का 2 टाइम्स है सारा लेंथ, तो इसका दुगुना करेंगे तो 20√3 भविष्यवाणी सही था। तो हम उसका बताएंगे वो शॉर्ट ट्रिक की कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो बोल देंगे हैंस, हैंस बोलेंगे क्या चीज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज इक्वल टू 2x, इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू क्या 10√3 मीटर, यानी कि आ गया 20√3 मीटर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर किसी 10th पास बच्चे को देते या 10th वाले बच्चे को देते तो बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करता, क्यों करता, इतना माथा नहीं लगाता, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता और सेकंड में सॉल्व करता, मिनट में भी नहीं, वो सेकंड में कैसे सॉल्व करता है देखने में जैसा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा है, दुनिया जानते ही बात, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल मेरे हिसाब से नहीं दुनिया के हिसाब से भी कितना होता है 60° का होता है, समझ में आ रहा बात, और ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये लेंथ इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जबकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है 30° में कन्वर्ट करेगा इसको 60 है तो, समझ आ रहा बात, ये 30 में चला गया और ये आ गया कितना 90 तो है ही, तो हम यहां पर फिगर बनाते हैं, छोटा सा फिगर और बहुत काम का फिगर, ये बन गया कितना 30° का, जबकि यह पता है 20 मीटर का, जबकि यह तो नहीं पता है, हमें यह निकालना है x, तो कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस के लिए याद करना है हम लोगों को कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अ सोना चांदी तौल, या बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसे काम दे देगा बहुत, देखो यहां पर ये अपना क्या 30 के सामने वाला है परपेंडिकुलर, जो एंगल के सामने खड़ा हो तो उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जो एंगल जिस पे पड़ा वो होता है उसका बेस, और जो सबसे बढ़ का वो तो करण है, हाइपोटेनस है, तो हम लोग को हाइपोटेनस के थ्रू निकालना है बेस, हाइपोटेनस बेस कहां दिखा, हाई दिखा, दिखा ना, यानी कि यहां पर कॉम्बिनेशन है किसका, कॉस का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल, चांदी मतलब कॉस से याद रखेंगे, या सम पीपुल हैव करली ब्लैक हेयर टर्न पर्नली ब्राउन के थ्रू भी याद रख सकते हैं, तो यहां पर कॉस थीटा के जगह पर कितना 30° इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी मतलब बेस यानी कि एक्स और एच मतलब हाइपोटेनस यानी कि 20, बात समझ आ रहा है मीटर, और हमें याद रखना होता है कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 20 मीटर, और 2 से 2 दहाई का 20 और x इज इक्वल टू 10√3, समझ में आ गया बात की, इतना कहानी बस इतना दिन में बन गया, ठीक है, तो आ गया कितना 10√3, यहां भी 10√3 यहां भी, मीटर तो छोड़ दिए, और 2 टाइम्स इसलिए किए क्योंकि ये लेंथ को x माने थे, तो ये दोगुना लेंथ है यानी कि 2x हो जाएगा, दोगुना टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर, अगर थोड़ा हमारा बुद्धिजीवी लोग होता तो ऐसे क्वेश्चन को करता,
ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे बात नहीं कर पाएगा तो ऐसे ही करेगा नाइन्थ वाला बच्चा। दूसरा तरीका और भी सोच सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में, वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये हो सकता है कि हम लोग सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले। तरीका बहुत है, समझ में आ जाएगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर होता है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होता है रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर होता है, रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर आ रहा है ना, साइड में कट रहा है, आ रहा है, तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। दूसरा आदमी दूसरा तरीका सोचेगा, बोलेगा नहीं हम ये फॉर्मूला नहीं बैठाएंगे, हम दूसरा बैठाएंगे। तो वो कैसे बैठाता, चलो यहाँ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर, जबकि हम यहाँ पर देखो रूट थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई साइड के जगह पर क्या लिए थे, टू एक्स लिए थे, तो लिखते हम लोग टू एक्स का स्क्वायर, बुझले बात है, इज इक्वल टू। दूसरा आदमी बोलता नहीं हम इस ट्रायंगल के लिए हम ऐसे निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, गलती तो नहीं बोला वो, कि हाफ बेस क्या चीज को लेगा, एस बी को लेगा, यानी बेस क्या होगा टू एक्स, जबकि हाइट किसको लेगा वो आदमी एम को लेगा, किसको लेगा एम को लेगा, तो इतना कहानी नहीं बनेगा और तब भी आएगा। देखो यहाँ पर से रूट थ्री बाई फोर टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल हो जाता है, समझ में आ रहा बात, एक्स इंटू एम आ गया और यहाँ से तुम देख सकते हो फोर से फोर कैंसिल, स्क्वायर से एक्स कैंसिल और एकदम गिल के आ गया कि एम इज इक्वल टू क्या रूट थ्री और एक्स, रूट थ्री और एक्स। और इतना लंबा कहानी करने के बाद यहाँ आया था रूट थ्री इंटू एक्स या एक्स रूट थ्री, बात तो सेम है। और एक छोटा सा कहानी भी ये चीज सिखा के चला गया कि हम लोग ऐसे भी करके निकाल सकते थे एम का वैल्यू, जैसे एम का वैल्यू निकलता उसके बाद फिर से वही प्रोसेस जो आगे किए थे वो करेंगे और क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आया समझ में, चलो इसको कर लो नोट, लेट कर दिया।